फिरोजाबाद में खसरा रुबेला टीकाकरण कराने के लिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में गुरुवार को कलावती देवी इंटर कॉलेज में खसरा रुबेला पानी MR टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कॉलेज के लगभग 1500 बच्चों व समस्त स्टाफ को जागरूक करते हुए यूनिसेफ WHO जिला कोर कमेटी के पदाधिकारी DIO डॉक्टर SK श्रीवास्तव डॉक्टर प्रिया भट्ट बदरे आलम ने 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को खसरा रुबेला टीकाकरण में सहयोग देकर 26 नवंबर 2018 से शुरू होने वाले अभियान को सफल बनाकर टीकाकरण कराने पर जोर दिया गया तथा बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित कर टीकाकरण कराने पर सहमत देकर शपथ दिलाई गई। साथ ही नरेश बाबू ABRC नगर क्षेत्र एवं स्कूल के प्रबंधक श्री राम निवास गुप्ता के द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण कराने की अपील की गई। इसमें सलीम तथा संजीव शर्मा का विशेष सहयोग रहा। फिरोजाबाद से राज जैन के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। थैंक यू। आज हम लोग आपके बीच में जो आए हैं, जैसे सर बता रहे थे कि सौभाग्य है कि हम लोग आपके बीच में आए, मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि आज हम दोबारा अपने स्कूल में, जैसे सुबह स्कूल जाते थे वो दिन याद दिला दिए सर ने, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने हमें मौका दिया और आप लोगों के बीच में बात करने का एक मौका दिया। दोस्तों, मैं आपसे बहुत फ्रेंकली बात करूंगा और समझाऊंगा कि क्या हम लोग करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम क्या कर सकते हैं इस बीमारी में। आप ध्यान से सुनना, प्लीज आपस में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले शर्त यह है, आपस में किसी से बात नहीं करेंगे। अभी भी आवाज आ रही है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जैसे बीमारी होती है ना, बीमारी और अलग अलग तरह की, जैसे सर बता रहे थे पोलियो बीमारी है या और बहुत सारी बीमारी है, उन बीमारियों का खात्मा कर रहे हैं। और वो खात्मा कैसे होगा, वो हम सब मिलकर करेंगे। जैसे हमने पोलियो का पहले खात्मा किया और बहुत सारी बीमारियों का खात्मा किया, ऐसे ही ये खतरनाक बीमारी, दो बीमारियां हैं, उनका हम खात्मा करने की तरफ है और उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सबसे पहले तो जो 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं, उन सबके हमें टीका लगाना है। और हमारी असल जिम्मेदारी क्या है, वो ये है कि आज जो हम बात ठीक कर जा रहे हैं, वो तो अपने घर में, परिवार में, अपने आस पड़ोस में और सब जगह जहां भी मम्मी पापा को, सब अपने पेरेंट्स को, सबको बताएंगे कि ऐसे ऐसे एक बीमारी जो मिजल्स रुबेला का टीका सारे देश में फैली हुई है, इसलिए बीमारी को दूर करने के लिए ही आपको टीका लगाया जा रहा है। मैंने अभी ये महसूस किया कि हमारे कुछ बच्चे फैलिंग से इस बात से, लेकिन आपका जो डॉक्टर साहब ने आपका जो डर है वो दूर कर दिया है और ये अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाएंगे और अपने माता पिता को भी समझाएंगे और अगर किसी प्रकार से वो सहमत नहीं होते तो उनको सहमत करेंगे और इस तरीके से उनको आगे पढ़ाएंगे। मैं पुनः पुनः आज अपने अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी वो उनको हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। Oh, man.
पापा ने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। पापा बोले ऐसे ऐसा नहीं काम कर, तू एक एग्जाम ले ले, उस समय CPM की हो रहा था, बोले फिर तुम अपना आगे ले लो, फिर पढ़िए मन पढ़ो। यानी कि उन्होंने मुझे पढ़ना क्यों नहीं कहा था, मैंने इंग्लिश मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मैं नहीं पढ़ूंगा। टीचर ने मेरे को सपोर्ट किया, तो बच्चों टीचर की जिंदगी में बहुत वैल्यू है, वो हमारी भलाई के लिए वो बातें बताता है जो माँ बाप सोच भी नहीं पाते। तो आज मैं यहाँ पर, ये तो मेरे शेयर थी जब मैं तुम्हारे बराबर का था, मुझे इतनी याद आ गई कि मैं कैसे मेरी पिटाई होती थी, लेकिन आप लोगों की तो नहीं होगी ना दर्द होगा। यस, जब आपने अफ्ताब गजर का एड देखा है तो वो क्या कहता है, वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ये टीका अवश्य कहते। अच्छा ये कह रहा है टीवी पर, वो अगर आप लोग टीवी देखते होंगे उसमें छोटे छोटे बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहला टीका, एक छोटी सी बच्ची आती है क्लास में से कहती है मैम सबसे पहला टीका मैं लगवाऊं। हम उनके बराबर ये काम करके दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं।